1 2 3 स्टार्ट। तो देखो आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ थ्री बॉडी प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वेब सीरीज है, बहुत सारे इसके एपिसोड है, यानी कि आने वाले हैं। अभी पहली सीजन आई है, दूसरी सीजन भी आएगी। मैंने 2 पेज भर के भाई लिखा है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको पहले शॉर्ट में स्टोरी समझाता हूँ, फिर बाद में लॉन्ग समझाता हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शॉर्ट में स्टोरी सुनते हैं भाई, फिर बाद में आपको लॉन्ग स्टोरी सुनाता हूँ। तो चलो भैया इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो मैं आज आपको सुना तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम की स्टोरी कहानी शॉर्ट में समझाता हूँ। तो क्या है कि भाई एलियन आने वाले हैं अर्थ पे, और उसको उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, रॉकेट भेजते हैं आसमान में उसको रोकते, और वो एलियन आने वाले हैं 400 साल बाद, और उसको रोकने की अभी प्रोसेस चल रही है। अभी पहली सीजन में वो कर रहेगा, कुछ दूसरी तीसरी सीजन में कुछ आएगा, लेकिन पहली सीजन में क्या होता है वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। मैं आपको शांति से लॉन्ग स्टोरी समझाता हूँ, यानी कि समझने की कुछ कोशिश करता हूँ कि भाई क्या होता है इस सीजन में। मैंने वैसे दो पेज भर के लिखा है। हाँ तो वीडियो बनाना है तो भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा ना यार। तो देखो कुछ बात इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से होती है भाई। तो पहला देखो ये आइंस्टाइन जो होते हैं हमारे साइंटिस्ट, उसको गलत करने की कोशिश की जाती है उनकी थियोरी को। हाँ पहले बहुत ऐसा हुआ है था कि क्यों, बहुत सारी ऐसी थियोरी थी, कुछ लोग बिलीव नहीं करते, कुछ लोग स्पिरिचुअल थे, कुछ लोग स्पिरिचुअल नहीं थे, कुछ लोग गॉड में बिलीव करते थे नहीं करते थे। इस वजह से कुछ चीज़ों को वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है चाइना से, चाइना कोरिया कहाँ से कहीं होते हैं, लेकिन चाइनीज लोग दिखते हैं, हम इंडियन उनको समझ नहीं पाते कौन चाइनीज है कौन कोरियन है भाई कौन जापानीज है, लेकिन कहीं से शुरुआत होती है, शायद चाइना से होती है। तो देखो एक होता है साइंटिस्ट, उसको मार रहे हैं सब लोग, बस ऐसे ही कहानी शुरू होती है। तो चलो आगे जाते हैं। तो देखो एक वेब सीरीज में मैंने एक मोटे लड़के को देखा। मैं सोच रहा था कि भाई मैंने इसको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा। फिर याद आता है कि ये जो मोटा लड़का है उसको मैंने गेम ऑफ थ्रोन में देखा था। जी हाँ दोस्तों, फिर बाद में क्या होता है कि उसकी एक चाइनीज दोस्त होती है, होते हैं साइंटिस्ट, चाइनीज लड़की होती है, उसको एक मिलता है वैसे मुकुट वाला चीज़। तो उसकी एक आंटी होती है, वो बोलती है, उसकी जो फ्रेंड होती है उसकी मम्मी, वो बोलती है कि मेरी बेटी सुसाइड करने से पहले ये गेम खेलती थी, तुम भी ट्राई करो। तो वो गेम खेलती है, तो वो जब गेम स्टार्ट करती है वो चाइनीज लड़की, तो वो देखती है कि वहाँ कोई अलग गेम में चली जाती है। तो वहाँ जो सभ्यता होती थी, जो वो वहाँ पे कल्चर होते हैं, वो वहाँ में जो सन होता है वो सन चला जाता है। और इसी वजह से वहाँ, आपको पता है आप साइंटिस्ट, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि अगर सन नहीं होगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो ठंड हो जाएगी, तो इससे क्या ठंड से वो सब लोग मर जाते हैं। पहला गेम में जो पहला लेवल होता है ऐसे, और वो लड़की गेम खेलती रहती है। फिर बाद में मोटे को भी ऐसा ही मिलता है, मोटा भी गेम खेलता है। और एक गेम वाली जो थियरी होती है ना, एक झरना होता है, उसमें कुछ होता है, उनको लगता है नॉर्मली गेम खेलते हैं और उसमें वो कुछ साइंस वाली बात सीखते हैं। और हमें भी पता चलता है थ्री बॉडी प्रॉब्लम के बारे में, हमें पता चलता है कि क्या होता है भाई। तो पता चलता है कि कोई प्लेनेट है जो 3 सन के बीच रह रहा है। जरा सोचो, अगर 3 सन के बीच कोई अगर प्लेनेट फंस चुका है तो क्या हालत होगी। बस वही उसके रिलेटेड थियरी के बारे में वो गेम होती है, ये लोग खेलते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि भाई एलियन जो होते हैं अर्थ पे आने वाले, वो गेम इनको क्या बोलते हैं कि इनको खेलने को कहते हैं। 1977 में चाइनीज लड़की होती है, मैसेज वो भेजती रहती है, वो लोग कांटेक्ट करते हैं एलियन से, और एलियन को कांटेक्ट करते हैं और वो मैसेज भेजती है, और उनको मैसेज, उस लड़की को मैसेज आता है कि डू नॉट आंसर। वो लोग सामने से जो एलियन होते हैं वो धमकी देते हैं कि भाई तुम लोग हमें मैसेज मत करो, वो धमकी देते कि हम तुम्हारी दुनिया को मिटा देंगे, आई विल हेल्प। और वो लड़की क्या बोलती है, लड़की उनको बोल कि आई विल हेल्प यू कॉन्कर दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो चाइनीज लड़की, यानी कि वो खुद एलियनों को बुलाती है कि भाई आओ मेरे अर्थ पे, क्योंकि अर्थ वाले है ना बिगड़ गए सारे, एनवायरमेंट को बिगाड़ रहे हैं, वो क्या करे, बहुत खोज कर रहे हैं, इंसान के दुश्मन बन गए, बहुत कुछ है। लेकिन वो लड़की चाहती है कि सालो आओ, अर्थ फल वालों को आओ और मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यार। बस वो लड़की सामने से न्योता देती है उन एलियन को, फिर क्या एलियन चल पड़ते है भाई अर्थ को जीतने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात है, 400 साल बाद आने वाले एलियन, ऐसा इस वेब सीरीज में। चलो आगे सुनते हैं आगे क्या होता है वेब सीरीज में। तो एपिसोड 3 में क्या होता है कि, अरे हाँ एक चीज है, हम एपिसोड 3 में स्टार्टिंग में एक मूर्ति देखते हैं, नटराज की मूर्ति है भाई। ये लोग इंडियन को भी इन्वॉल्व करते हैं, इंडियन चीजों को भी इन्वॉल्व करते वेब सीरीज में, अच्छा है, कभी ऑडियंस को जीत सके, उनको अट्रैक्ट कर सकते। तो वो गेम का टॉपिक क्या होता है कि वो लोग एलियन चाहते है कि तुम हमारी बात को समझो, हम इस सिचुएशन में फंस गए और तुम हमें बचाओ, हमारी मदद
करो, हम आ रहे हैं यहाँ पे। तो बस यही चीज वो दिखाने के लिए वो एलियन जो होते हैं ना वो गेम को इन सब लोगों इंसान को खेलने को देते हैं, और गेम तो अर्थ पे आ जाता है लेकिन गेम के साथ साथ एक जो होता है ना वायरस, नहीं जैसे हम प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वैसा ही उनका सोफोन होता है भाई। हाँ सोफोन, इनका सोफोन होता है, वो सोफोन वो अर्थ पे भेज देते हैं। ना क्या है यार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सोफोन आ गया, अब कितना पढ़ना पड़ेगा। हम फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में थे, मैथ्स में थे, बहुत आता था दिमाग में गई हो गई, मास्टर किया मैंने, लेकिन फिर भी मैं अभी कच्चा हूँ। मैं कच्चा नहीं हूँ भाई, पक्का हूँ, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ यार। लेकिन सोफोन कहाँ से आ गया बीच में, तो चलो आगे जानते हैं। तो वो जो अर्थ पे आने वाले एलियन उनकी मदद कौन कर रहा है, इनकी मदद कर रहा है एक बूढ़ा आदमी, चाइनीज लड़की है, लेकिन वो पैसे वाला बूढ़ा आदमी जो उनकी मदद कर रहा है वो जजमेंट डे वाली जो शिप होती है उनपे बैठे वो सब मैनेजमेंट करता है। और उनके साथ कौन कौन है कि कुछ है प्रजा, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव क्या करते हैं पता है, ये लोग बिलीव करते हैं कि एलियन जो है वो हमारे भगवान है और वो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई मिटाने आ रहे, पागल, ऐसा है बहुत जगह। कुछ लोग होते हैं जो एलियन को भगवान मानते हैं और एलियन जो है हमें भगवान मानते हैं, पता नहीं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ लोग गॉड में बिलीव करते ही नहीं है भाई, ये नहीं हम इंसान ही है। तो बस वो एलियन को आने की मदद करते है, लेकिन क्या करते हैं मिलिट्री वाले, हमारा एक बंदा होता है जो नैनो टेक्नोलॉजी से यानी कि फाइबर टेक्नोलॉजी से जजमेंट डे को फिनिश कर देते हैं। भाई क्या टेक्नोलॉजी बनाई है, कसम से मैं दीवाना हो गया। या नैनो टेक्नोलॉजी या फाइबर टेक्नोलॉजी, तब एक में तो आता है क्या यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा होता तो वीडियो ना थोड़ी ना बनाता। क्या छोरा क्या बात कर रहा है, तने दिखाई नहीं दिया। फिर आगे क्या होता है, जब वो सोफोन इंस्टॉल कर देते हैं अर्थ पे, तब वो लोग मैसेज भेजते हैं अर्थ वालों को कि तुम लोग कीड़े हो, यू आर बग, ऐसा लिखा होता ना, यू आर बग, तुम कीड़े हो भाई। हर वेब सीरीज में ऐसा ही होता है कि एलियन आते हैं, एलियन हमला कर देते हैं, फिर अर्थ पे अफरा तफरी हो जाती है, बस फिर उनको लड़ते हैं। बहुत ऐसा भी नहीं, वो ज़ॉम्बीज़ वाली होती है कि ज़ॉम्बी वायरस आ गया, सब ज़ॉम्बी, फिर इंसान कुछ इंसान ही बचते। नेटफ्लिक्स वाले बहुत अच्छी वेब सीरीज बनाते नहीं है, नेटफ्लिक्स वाले, अमेजोन वाले, हॉटस्टार वाले, हॉलीवुड वाले, यानी इसलिए तो मैं हॉलीवुड का दीवाना हूँ भैया, मजा आ जाता, कुछ सीखने को मिलता है साइंस। तो बस ऐसा ही होता है वेब सीरीज में, बस वो एलियन आने वाले 400 साल बाद, और लेकिन ये इसमें क्या करते हैं, उसको रोकने की क्या टेक्निक एक लड़की लाती है, लेकिन कुछ है इसमें जो हमें पहली सीजन में बताया नहीं इन लोगों ने कि कुछ चाल है दिमाग में, वो जो बूढ़ा आदमी है ना उसके दिमाग में। लेकिन एलियन को बताने के लिए, एलियन तो यहाँ वो सब कुछ देख रहा है भाई कि इंसान क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एलियन को भी पता चल गया कि इंसानों पे यकीन नहीं करना चाहिए, वो साले झूठे हैं भाई। सच में एक्चुअली जो एलियन है उनको पता नहीं इंसान कैसे है, भले मैं उनपे वीडियो बना रहा हूँ, वो भले मुझे देख रहे हो, देखो आसमान में चांद है अभी, देखना क्या, देखो पता नहीं कि इंसान कैसे है भाई। तो कहाँ था मैं, वैसे भूल गया यार। हाँ तो मैं कहाँ था, वो क्या करते एलियन 400 साल बाद आने वाले, वो 400 लाइट ईयर वो से बहुत दूर है, वो भी रास्ते में ही है, तो हमारे अर्थ वाले रॉकेट भेजते हैं ऐसे यहाँ से कि रॉकेट वहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से जाए और उनकी स्पेसशिप को खत्म कर दे, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, दिमाग भी भेजते हैं, इंसानी दिमाग, ताकि पता चले कि कुछ होता है भाई। वेब सीरीज देखो तुम्हें पता चल जाएगा, 3 body problem। लेकिन क्या होता है, वो जाता है रॉकेट रास्ता खो देता है, बस यहीं से उनकी वो क्या बोलते हैं, मुश्किल ही नहीं वो निराशा मिल जाती है इन लोगों को। और इसी के साथ वेब सीरीज खत्म हो जाती है, पहली सीजन खत्म होती है, दूसरी आएगी भैया, टेंशन मत लो। लेकिन इस थियरी को आप समझने की कोशिश करो, 3 body problem क्या जाए, क्या कहना चाहती, कुछ हमें सिखाती, हमें हमारी दुनिया के बारे में कुछ सिखाती भाई। देखो इस 3 body problem वेब सीरीज को, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को भैया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।